अब कुछ बात शहबाज गिल की भी कर लेते हैं। जिस्म खराशों से भरा पड़ा है, पिम्स में जाली मेडिकल का इंतजाम किया गया, जिंदगी खतरे में है, मेहरबानी करके जान बचाई जाए। शहबाज गिल ने तहफ्फुज़ की अपील कर दी। बयान में कहा, नामालूम मकाम पर बरहना करके बदतरीन तशद्दुद किया गया, वीडियो भी बनाई गई, तशद्दुद के वक्त हथकड़ी लगी हुई थी, अस्पताल में जहनी तशद्दुद अब भी जारी है। मजीद बोले, खानदान के अफराद को भी मिलने नहीं दिया जा रहा, 5 दिन से नहाया भी नहीं हूं, 19 अगस्त से भूख हड़ताल पर हूं। इंतजाम किया, मेरा जिस्म खराशों से भरा पड़ा है, किसी ने मुझे चेक नहीं किया, अगले दिन बिल्कुल ठीक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, मेरी जिंदगी खतरे में है, मेहरबानी करके जान बचाई जाए, शहबाज गिल ने बयान में अपील कर दी। शहबाज गिल का बयान आईजी की रिपोर्ट में शामिल है। 5 सफात पर मुश्तमिल बयान के हर सफे पर शहबाज गिल के दस्तखत है। शहबाज गिल ने कहा की गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर ले जाया गया, मुकम्मल बरहना करके 30 मिनट तक तशद्दुद किया गया, तशद्दुद के वक्त हथकड़ी लगी हुई थी, थप्पड़ों मुक्कों और ठुड्डों के अलावा छड़ी और चमड़े के बड़े जूते से मारा गया। आगाह किया गया कि दोनों मर्तबा तशद्दुद की वीडियो बनाई गई, तीसरी मर्तबा थाना सेक्रेटरिएट, चौथी मर्तबा लॉकअप में डालकर बताया गया कि CIA I-9 थाना है। पहली 3 रातों में जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया गया, तस्दीक की गई, अस्पताल में जहनी तशद्दुद अब तक जारी है, कोई मुलाकात नहीं कर सकता, खानदान के अफराद को भी मिलने नहीं देते, 19 अगस्त से भूख हड़ताल पर हूँ, 5 दिन से नहीं नहाया, पिम्स में मेडिकल रिपोर्ट तब्दील की गई, ऐसा लगता है हर मामला कंट्रोल किया जा रहा है। शहबाज गिल ने मुतालबा किया कि कमीशन बनाया जाए ताकि मेरी वकला से मुलाकात में मदद हो सके। 19 अगस्त को अदालत में पेशी पर पुलिस ने ऑक्सीजन मास्क छीन लिया, मास्क छीनने से मेरा चेहरा जख्मी और खून आलूद हो गया। शहबाज गिल का कहना था कि यकीन है कि अवाम और अदालत जालिमाना सलूक और नाइंसाफी से तहफ्फुज़ फराहम करेगी। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।